आईएमए ने राज्य मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर लगे आरोप की जांच की मांग की है। पटना में शनिवार को आईएमए बिहार शाखा की बैठक में इस प्रकरण की निंदा की गई। डॉक्टर को तथा कथित गाली देने को लेकर आईएमए की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर जाँच और कार्रवाई नहीं होती है तो वे कानून का सहारा लेंगे। आईएमए ने अपर मुख्य सचिव के पाठक पर गाली देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि के पाठक पर कार्रवाई की मांग की गई है। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये कार्रवाई की मांग हुई है। आपको बता दें कि अपशब्द कहने का ये पूरा मामला है। आईएमए ने राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर लगे आरोपों की जांच की मांग की है। पटना में शनिवार को आईएमए बिहार शाखा की बैठक में इस प्रकरण की निंदा की गई है। डॉक्टर को तथा कथित गाली देने को लेकर आईएमए की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर जांच और कार्रवाई नहीं होती है तो वे कानून का सहारा लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ हमारे बिहार ब्यूरो चीफ एसके राजीव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। एसके राजीव, ये जो आरोप लग रहे हैं के पाठक के ऊपर, उस पर अब कार्रवाई की भी मांग हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में आज से 4 दिन पहले जो डॉक्टर अजय हैं वो पहले आईएम के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको विधिवत एक नंबर से फोन जाता है और उसके बाद उस नंबर से यह कहा जाता है कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं वो बात करना चाहते हैं, फिर वो बात करने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद फिर के पाठक खुद अपने व्यक्तिगत नंबर से उनके मोबाइल पर फोन करते हैं और फोन करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या आप डॉक्टर अजय बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर अजय बोल रहा हूँ। तो फिर के पाठक कहते हैं कि मैं के पाठक बोल रहा हूँ, तो उस पर डॉक्टर अजय कहते हैं कि हाँ ठीक है बताइए के पाठक साहब। तो उसके बाद अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है वो शुरू करते हैं, गाली गलौज से बात शुरू करते हैं और अजय डॉक्टर अजय जो है उस फोन को काट देते हैं। उसके बाद जब हमारे सहयोगी हैं पटना में, जब उनसे जाकर के बातचीत करते हैं संदर्भ में, तो सीधे तौर पर डॉक्टर अजय का ये कहना है कि जब वो सिविल एसडीओ हुआ करते थे उस समय वो सिविल सर्जन हुआ करते थे किसी जिले में और उसी समय जो है उस दोनों के बीच में कुछ तूतूमैमे हुई थी जिसका बदला जो है वो अब ले रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने विधिवत आईएमए के अभी जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं उनको डॉक्टर सहजानंद को उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद कल आईएमए की एक बैठक बुलाई गई जिसमें कि आमिर सुबहानी जो कि अभी फिलहाल बिहार के चीफ सेक्रेटरी, उनको एक पत्र लिखा गया है और उसमें तमाम बातों की चर्चा करते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर कार्रवाई की मांग की गई है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें नवीन, वह यह है कि डॉक्टरों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेगा और के पाठक पर कार्रवाई की मांग करेगा। और आपको ये पता है कि जो डॉक्टर का जो एसोसिएशन है आईएमए वो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत एसोसिएशन संगठन माना जाता है, तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि डॉक्टर यानी कि आईएमए बनाम के पाठक की हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।